Assalamualaikum, good morning dear students, how are you all? I hope you all are doing good at your home. Now open your maths book. Previously we have completed our unit number 2. Today we start unit number 3, fractions. Now open page number 41, question number 4 of exercise 3A. 3A के क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 जो हैं वो आपके fill in the blanks, MCQs और true false हैं, और यह वो हम बाद में करेंगे, ठीक है। अभी हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, एट द फॉलोइंग। इसका ए पार्ट है 1/5 प्लस 3/20, इन दोनों को हमें करना है प्लस, ठीक है। तो हम इसको प्लस कैसे करेंगे कि इसके जो 5 और 20 जो हैं हमारे पास हैं डिनोमिनेटर्स, 5 और 20 को हम डिनोमिनेटर बोलेंगे और 1 और 3 हमारे पास न्यूमरेटर, ठीक है। अब जो हमारे पास दोनों डिनोमिनेटर हैं 5 एंड 20, उसका हम लेंगे एलसीएम, ठीक है। हमने लिया एलसीएम 5 और 20 का। पहले हम सबसे छोटे नंबर से स्टार्ट करते हैं, तो 2 टेन ज़ा 20, 5 एज इट इज़ रहा, फिर 2 फाइव ज़ा 10, 5 एज इट इज़ रहा, और फिर 5 वन ज़ा 5, 5 वन ज़ा 5, ठीक है। अब हम इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 टू ज़ा 4 और 4 फाइव ज़ा 20, तो हमारे पास एलसीएम क्या आया 20, ठीक है। अब हम देखेंगे कि हमने 5 को कितने टाइम्स पढ़ा कि 20 आया। 5 को हमने पढ़ा 4 टाइम्स, ठीक है। तो जो 5 का न्यूमरेटर है ना, उसको हम मल्टीप्लाई करवा देंगे 4 से, मतलब 5 को हमने 4 टाइम्स पढ़ा तो 20 आया, तो 4 को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे 1 से, फिर बीच में प्लस, ये प्लस जो है क्वेश्चन का ही है। और उसके बाद हम देखेंगे कि हमने 20 को कितने टाइम्स पढ़ा कि 20 आया। 20 को हमने 1 टाइम पढ़ा, तो इसलिए जो 20 का न्यूमरेटर है मतलब 3, उसको हम मल्टीप्लाई करवा देंगे 1 से, ठीक है। अब देखें, फिर 4 वन ज़ा 4 और 3 वन ज़ा 3, फिर 4 प्लस 3 7, 7/20 हमारा हो गया आंसर, ठीक है। इसके कुछ पार्ट्स मैं करवा रही हूँ आपको, और कुछ पार्ट्स बाकी के पार्ट्स आप लोगों के होंगे होमवर्क, ठीक है। अब ए पार्ट मैंने करवाया, उसके बाद मैं करवा रही हूँ आपको डी पार्ट। डी पार्ट है 10 होल 1/6 प्लस 8 होल 5/36। इसको हम पहले सॉल्व करेंगे, इसका होल ख़त्म करेंगे, ठीक है। अब होल किस तरह ख़त्म होगा कि 6 को हम 10 से मल्टीप्लाई करवाएंगे और फिर जो भी आएगा उसमें प्लस कर देंगे 1 को, ठीक है। देखते हैं, 6 टेंजा होता है 60, और 60 प्लस 1 61/6 आ गया, ठीक है। फिर प्लस क्वेश्चन का है, फिर हम 36 को 8 से मल्टीप्लाई करवाएंगे और फिर जो भी आंसर आएगा उसको हम करवा देंगे 5 में प्लस, ठीक है। तो इसको हमने सॉल्व किया तो हमारे पास आया 293/36 हो गया, ठीक है। अब हम लेंगे इसका 6 और 36 का एलसीएम। 6 और 36 का एलसीएम लेंगे तो वही 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 वन ज़ा 2, 1 कैरी किया, 2 एट 16, और फिर 2 थ्री ज़ा 6, 2 नाइन ज़ा 18, और 3 एज इट इज़, फिर 3 थ्री ज़ा 9, 3 वन ज़ा 3, और 3 वन ज़ा 3, और 1 एज इट इज़, ठीक है। अब हम इन सबको मल्टीप्लाई करवाएंगे, 2 टू ज़ा 4, 4 थ्री ज़ा 12, 12 थ्री ज़ा 36, ठीक है। तो 36 हमारा हो गया एलसीएम। अब हम देखेंगे कि हमने 6 को कितने टाइम्स पढ़ा के 36 आया। 6 ज़ा 36 होता है, मतलब 6 को हमने 6 टाइम पढ़ा 36 आया हमारे पास, ठीक है। तो अब 6 का जो न्यूमरेटर है ना, उसको भी हम मल्टीप्लाई करवा देंगे 6 से, ठीक है। 61 को मल्टीप्लाई करवा दिया 6 से, फिर बीच में प्लस आया। फिर अब हम देखेंगे 36 को हमने कितने टाइम्स पढ़ा कि 36 आया। 36 को हमने 1 टाइम पढ़ा, तो 36 का जो न्यूमरेटर है 293, उसको हम 1 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। अब 61 को 6 से जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 366 प्लस 293 वन ज़ा 293। अब 366 और 293 इनको हम ऐड करेंगे, 366 और 293 को हमने ऐड किया तो हमारे पास आया 659, 659/36 हमारे पास आ गया, ठीक है। अब न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, तो हम इसको मज़ीद और सॉल्व कर सकते हैं। तो 659 को डिवाइड करवाएंगे 36 से, तो 36 वन ज़ा 36, माइनस करेंगे 29 बचा। फिर ये 9, फिर 36 8 ज़ा 288, हमारे पास बचा 11। तो
फिर हमारा आंसर हो जाएगा 18 होल 11 अपॉन 36। ठीक है, समझ आ गई आप लोगों को बात। अब इसका एच पार्ट है 4 होल 5 अपॉन 8 प्लस 2 होल 1 अपॉन 16 प्लस 7 होल 3 अपॉन 4। ठीक है, तो इसके भी पहले हम होल को ख़त्म करेंगे, 8 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर प्लस कर देंगे 5। 8 4 32, 32 प्लस 5 37 अपॉन 8 हो गया। ठीक है, फिर प्लस 16 2 ज़ा 32, 32 प्लस 1 33, 33 अपॉन 16 हो गया। और फिर 4 7 ज़ा 28, 28 प्लस 3 31 अपॉन 4 हो गया। ठीक है, अब हम इन तीनों का लेंगे एलसीएम। 8 16 और 4 का हमने एलसीएम लिया तो हमारे पास आया 16। ठीक है, अब 8 को कितने टाइम्स पढ़ा कि 16 आया, 8 2 ज़ा 16, तो 37 को हम 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। फिर प्लस 16 को कितने टाइम्स पढ़ा कि 16 आया, 16 1 ज़ा 16, तो 33 को हम 1 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। फिर हम देखेंगे 4 को हमने कितने टाइम्स पढ़ा कि 16 आया, 4 4 ज़ा 16, तो 31 को हम 4 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। ठीक है, अब 37 2 ज़ा 74, फिर प्लस 33 1 ज़ा 33, और प्लस 31 4 ज़ा 124, और ये 16। ठीक है, अब हमने इन सब को प्लस किया तो हमारे पास आया 231 अपॉन 16। ठीक है, अब 231 को 16 से डिवाइड करवाएं तो हमारे पास आएगा 16 1 ज़ा 16, माइनस किया 7 आया, फिर ये 1, और फिर 16 4 ज़ा 64 माइनस किए तो 7 बचा हमारे पास, तो हमारा आंसर हो गया 14 होल 7 अपॉन 16। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तीन पार्ट मैंने आपको करवा दिए, ए डी और एच। इसके बाकी जो पार्ट्स हैं वो आप लोगों के हुए होमवर्क। ठीक है, इंशाल्लाह वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।